सो ही व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग होगे काफ़ी बढ़िया। भाई मैंने सुना है 84 लाख योनियों के बाद लोगों को मिलता है इंसान का शरीर, और वो इंसान के शरीर में होती है 4-4-8 उंगलियां और 2 अंगूठे, ठीक है। और उस अंगूठे का तुम लोग ने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं तुमको बता रहा हूँ यार। जल्दी से उस अंगूठे का इस्तेमाल करके पहले तो मारो तुम सब्सक्राइब, और फिर उसके बाद करो उसको ऑल पे, ठीक है। ये इस्तेमाल तुम्हारे होता है तुम्हारे बॉडी का। अब आओ तुम्हारे इस्तेमाल करते तुम्हारी हंसी हबे तुम्हारी मुस्कान का। तो चलो वीडियो को करते शुरू। जैसा कि तुम लोग ने देखा इस वीडियो में, मैंने पहले ही थंबनेल में लिखा है हम करेंगे सारे प्रो प्लेयर के नाम का पोस्टमार्टम। तो चलो फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरुआत और करते हैं सारों का नाम पोस्टमार्टम। अब पहला नंबर आता है इसमें, देखो जैसा कि मेरे को दिमाग में सबसे पहला आता है एक बंदा है, उसका नाम है स्काउट, और एक है जॉनी, और एक है रेगा, और एक और बंदा है उसका नाम है कॉल्ट्रल, ठीक है, वो जो कि मैं खुद हूँ। तो आज अपन चारों का करेंगे नाम का पोस्टमार्टम, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं फटफट 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 से। तो पहला नाम आ रहा है अपना स्काउट का। स्काउट का नाम ना भाई मैंने ना बहुत सोच समझ के रखा, सोचा कि इसने भाई अपना नाम स्काउट क्यों रखा। अब स्काउट रखने का इसका रीज़न ये है कि ये बंदा ना बचपन में बहुत क्रिकेट खेलता था। मेरे को ऐसा मालूम पड़ा है, ज्योतिष ने बताया कि ये बंदा क्रिकेट बहुत खेलता था, तो इसके लिए मैंने सोचा और समझा, और फिर मैं क्यों रखा। मैंने काफ़ी सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि ये बंदा बचपन में क्रिकेट जो खेलता था ना उसमें हमेशा होता था आउट। तो इसने काफ़ी सारी परेशानियों के बाद, मगजमारियों के बाद इसने खोला अपना BGMI चैनल, यूट्यूब चैनल, जो कुछ भी व्हाटएवर। तो फिर इसने अपना नाम प्लेयर का रखा स्काउट। भाई बार बार आउट होता था ना, इसके लिए रख दिया स्काउट, ठीक है। तो इसमें ये अभी आउट नहीं होता इसके लिए, ठीक है। तो चलो अभी दूसरा नाम रख बताते हैं अपन तुमको, उसका नाम का पोस्टमार्टम करने का है। उसका पोस्टमार्टम नाम करने से पहले ना उसका नाम तुमको बताता है, उसका नाम है रेगा। भाई इसका सीन ना काफ़ी ज़बरदस्त है। ये बचपन में ना ऐसा बहुत गांड रेंग रेंग के चलता था, तो इसके माँ बाप ने इसका नाम ही रख दिया था रेगा। तो ये भाई के दिमाग में कुछ सूझा नहीं, कुछ समझा नहीं, तो इसने उठा के डायरेक्ट रख दिया अपने कैरेक्टर का नाम रेगा। अब जो तीसरा नाम तुमको बताने जा रहा हूँ ना, उसके लिए अपनी सांसें थाम लो, ठीक है। जैसे उसके मैच देखते हुए उसकी सांसें थामते हो ना, वैसे ही इस नाम को पोस्टमार्टम करते हुए भी थामना ही पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। तो वो तीसरा नाम है ना भाई जोनाथन। अभी जोनाथन का ना कहानी ना बहुत विचित्र है रे बाबा। अब इसका कहानी जब मैंने तो पता चला ना, मेरे दिमाग के ना होश उड़ गए। ये बंदा ना बचपन से ना एक नंबर का, बोले तो एक नंबर का ना पॉन वॉचर है, बोले तो पॉन देखने वाला। इसके दिमाग में ना जॉनी सिंस की छवि के अलावा कुछ चलता ही नहीं रे बाबा। तो इसने क्या किया मालूम है कि तुमको, अपना कैरेक्टर का नाम जोनाथन रखने से पहले इसने क्या किया, इसने जोनाथन को देखा काफ़ी बार। इसने देखा कि जोनाथन ना बहुत बार मस्त नुस्त थन चुस्त रहता है, नुस्तम या खलीफा, समझ रहे हो क्या। तो इसके लिए इसने अपने चैनल का, अपने कैरेक्टर का नाम जोनाथन रख दिया, समझ में आएगा तुमको। अब तुमको बोलने का नहीं कि चौथा नाम है कॉल्ट्रल, उसका नाम बताओ कुछ। उसका नाम मैं तुमको बताएंगा, पर उसका नाम कर बताने से पहले ना तुमको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जाके सब्सक्राइब करना पड़ता है, ठीक है, जाओ सब्सक्राइब करो फटाफट जाके। तो उसका वीडियो, इसका नाम तुमको बताओ क्या मैं, ठीक है। उसका नाम ज़्यादा कुछ नहीं, कॉल्ट्रल के पीछे का कहानी क्या है मालूम क्या, वो कॉल्ट्रल जो है ना, वो कॉल्ट्रल का ना कॉल्ट्रल बहुत लवर है भाई। तो क्वार्टर लवर होने की वजह से ना, तो इसने अपने चैनल का नाम क्वार्टर रख दिया, ठीक है। तुमको अच्छा लगा बुरा लगा वो मत बताना, ठीक है। अब तुम्हारे को एक एक्स्ट्रा नाम बता के जा रहा है मैं, इसका नाम है ना गोबलिन। ये बंदे ने ना अपना कैरेक्टर का नाम गोबलिन इसके लिए रखा ना, इसको गोभी खाना बहुत पसंद है, और गोभी खा के ना मस्त पाता रहता है। तो इसने अपने कैरेक्टर का नाम रख दिया गोबलिन। और मैं तुमको एक बात बता रही है, ये मेरा ना फर्स्ट वॉइस ओवर है। तो अगर अच्छा लगेगा ना तो मेरे को अप्रिशिएट करने का, समझ में आ रहा है ना तुमको। तो मिलता है मैं अगले वीडियो में तुमको, तब तक टाटा बाय बाय। और हाँ बाबा, ये ना ओनली फन के लिए, तो ज्यादा सीरियस मत होना।